हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब जो है वो बहुत अच्छे होंगे। और ये आज मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 4 बजे से, 4:30 हो गया टाइम, और हम कहीं जा रहे हैं। तो बस मैं तैयार हो चुकी हूँ और मुझे बस जाना है। ये देखो, यहाँ पे पूरा भरा पड़ा है कपड़ों से, तो हमने कुछ कपड़े जो है वहाँ पर लगाए। मैं बस फटाफट से जो है मास्क पहनूँ। तो हम जा कहाँ रहे हैं वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो हमें तो काफ़ी पहले जाना था, बट जो है हस्बैंड मेरे बिजी थे और काफ़ी दिन से जो है टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आप फाइनली आज हम जा रहे हैं सैटरडे को, आज सैटरडे है। और अभी बारिश लगी है, बट देखते हैं, आई होप कि बारिश जो है वो बंद हो जाए। अभी तो हम ऑटो से जा रहे हैं, तो हो कि वापस आने आने तक बारिश जो है वो बंद हो जाए। तो चलिए, मैं आपको मिलती हूँ इसके बाद। हो गया, डुगी डुगी हीरो लग रहा है। पहले उसने रेड कलर का दिया था ना। हैं घर, और मैं भी घर पहुंच गया। और ये ट्यूशन थे, तो ये भी हमारे साथ साथ जो है वापस आ चुके हैं। और टाइम अभी 6:15 हो गया, और काफी जो है वो मतलब बारिश थी, बहुत ज्यादा बारिश थी, तो इसलिए मैं बाहर का कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि फ़ोन ख़राब हो जाता है, स्कूटर में थे, तो इसलिए जाते समय का मैंने थोड़ा बहुत किया है। और आज इतना जाम था क्योंकि बारिश थी, और उस वजह से वैसे ही जाम रहता है, और बारिश की वजह से जो है वो ज़्यादा जाम रहता है। इसकी हरकतें देखो, तो ये नारियल में ला गई थी साथ में, मलाई जो है मलाई बिल्कुल भी नहीं है जी। नहीं बेटा, उसका मलाई देखो नहीं वो जी। ये मैं बड़ा वाला नारियल लाई थी, तो इसमें जो है लगभग 2 गिलास पानी निकल जाता है, बट इसमें 1 गिलास निकला, तो इसलिए मैंने जो है हाफ हाफ इन दोनों को दे दिया है। पर जो 60 वाला रहता है ना, उसमें 1.5 या 2 गिलास तक निकल जाता है कभी कभी। तो अब हम बनाते हैं अपने लिए चाय, क्योंकि हमने चाय नहीं पी थी। ये बस तैयार होने वाली है हमारी चाह, और ये साथ में एक भुट्टा बचा था, 4 लाई थी मैं, उनमें से 3 हमने पका दिए हैं। ये बच्चे अबू आई, ये बच्चे खा लेंगे अभी। मम्मा से दूर रहने का। हां, क्यों मार रहे हो डुगा भैया को? गलत बात है ये तो। ये भैया को मारते रहते हैं इसको, भैया की किसी भैया की इज्जत नहीं रहती ना इस घर में, भैया की इज्जत नहीं रहती। सच्ची डुगा, डुगा भैया की रिस्पेक्ट नहीं करते इस घर में, सिर्फ इसके खाने की रिस्पेक्ट करते हैं। जो है ऑनलाइन जो है मीटिंग्स वगैरह स्टार्ट होने वाली है, तो वो अपने रूम में चले गए हैं, अंदर चले गए हैं, और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, बच्चे अपना टीवी देख रहे हैं। और अभी तो मैं चाय पी रही हूँ, इसके बाद अब जो है डिनर की तैयारी करेंगे, क्योंकि 7 बजने वाले हैं। बाहर जो है बारिश लगी हुई है अभी भी, तो आज तो 4 बजे से बारिश लगी हुई है, जब हम गए थे तब से बारिश स्टार्ट हो गई थी। बस ये अपना देख रहे हैं, हम अपने चाय एंजॉय करते हैं। बस है डिनर की तैयारी, आए हैं पनीर। तो अब मैं बनाऊंगी डिनर, और हम करेंगे डिनर, और डिनर वगैरह हमारा हो गया है। और बस अब जो है मुझे मेहंदी भिगानी है, ये पानी गर्म हो रहा है, तो मैं इसी गर्म पानी में जो है मेहंदी को भिगाऊंगी। तो यहाँ पे जो ये पानी है, इसमें मैंने चाय पत्ती डाली है, और उसके साथ ही मैंने थोड़ा सा जो है लौंग और
काली मिर्च भी डाल दी है ब्लैक पेपर, तो बस इसको अच्छे से उबलने दूंगी। उसके बाद जो है उसमें ये यहाँ पे मैं मेहंदी यूज़ कर रही हूँ, ये है VLCC की, मैंने इसको जो है एक बार यूज़ कर लिया है, देखो नाम आता थोड़ गया है, VLCC की मेहंदी है। मेहंदी भिगाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लोहे की कढ़ाई, और हमेशा जो है मेहंदी लोहे की कढ़ाई में ही मैं भिगाती हूँ, भिगाने भी चाहिए, उसमें जो है उसका कलर अच्छा सा जो है ब्लैक कलर आ जाता है, तो एकदम रेड सा भी नहीं लगता। इसमें मैं डालूँगी मेहंदी अपने बालों के हिसाब से, और इसमें इतनी बची है तो मैं इसको सारा ही डाल लेता हूँ। आप चाहें तो आप इसमें जो है हिना पाउडर वगैरह ऐड कर सकते हैं, हिना पाउडर, सिक्का काई, जो भी पाउडर आपके पास अवेलेबल है, बट मेरे पास इस समय जो है वो कुछ भी नहीं है, तो मैं सिर्फ ऐसे ही भिगा रही हूँ इसको। थोड़ा करके जो है पानी ऐड करूँगी इसमें और देखूँगी। तो ये अच्छे से जो है मिक्स हो चुकी है, तो हमें इसको देखना है इसमें लम्स ना पड़े, और जो बाकी सामान है मैं इसमें कल मॉर्निंग में मिलाऊंगी। मैं सिर्फ इसको भिगा रही हूँ मेहंदी को, और इसमें जो है मॉर्निंग में मैं कुछ चीज़ें ऐड करूंगी, तो मॉर्निंग में देखते हैं कि हम ऐड करेंगे। इसमें जो मॉर्निंग में मैं ऐड करूंगी वो है नींबू, और उसके साथ ही मैं जो है थोड़ा सा दही ऐड कर लूँगी इसमें। नींबू जो है हमारे स्कैल्प के लिए अच्छा होता है, और दही जो है बालों को कंडीशन करता है, मेहंदी भी जो है बालों को कंडीशन करता है। बट क्या होता है ना, मेहंदी लगाने के बाद कभी कभी जो है हेयर थोड़ा सा ड्राई हो जाते हैं, तो आप या तो मेहंदी में दही मिला लें तो उससे भी काफ़ी असर पड़ेगा, या फिर आप जैसे जब अब हेयर वॉश करते हैं तो उसके बाद जो है हल्का सा दही अप्लाई करेंगे तो आपके बालों में जो है एक सॉफ्टनेस बनी रहेगी, क्योंकि जो दही होता है वो नेचुरल कंडीशनर होता है। और जैसे आपका ये है ना, ये पानी बच जाता है, ये चाय पत्ती वाला पानी, तो इसको क्या कीजिए, इसको एक ग्लास में अलग से निकाल के इसमें जो है आप अपने बालों को धो सकते हैं इस पानी से, तो जो ये चाय पत्ती का पानी होता है आपके बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, आपके बालों में ना शाइन आ जाती है। मेहंदी में कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो आपको हेयर के लिए अच्छा लगे, आप चाहे तो इसमें जो है मेहंदी के साथ जो है अनियन का जूस भी ऐड कर सकते हैं, नींबू ऐड कर सकते हैं, दही ऐड कर सकते हैं, और आपको जो भी सही लगे, आपको जो भी बालों के लिए अच्छा, अगर हिना पाउडर है, सिक्का काई पाउडर है, आप उसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आपके पास रीठा है, साबुत रीठा, तो आप उसका पानी चाय पत्ती के साथ रीठे को डाल के उसका पानी भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास था बट मैं भूल गई, बट कोई ना। तो गाइज़ अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि जो हमारी दिनचर्या है वो ख़त्म हो चुकी है, अब हम जो है सीधे सोएंगे, तो और कुछ है नहीं आगे दिखाने के लिए। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में या व्लॉग में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।